हाँ तो भाई अब हमारी प्रिपरेशन चालू हो चुकी है रुड़की जाने की। तो ये पूरा भर चुका है, ठीक है, और इतना भर चुका है, पर स्टूडियो है तो मैं आपको अब भी दिखाता हूँ। तो भाई ये पूरा स्टूडियो जो हमारा है, इसका एक पैर नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। भाई जो अच्छी चीज है तो उसे तो भाई कहना ही पड़ेगा ना यार, भाई आ सकते हो बिल्कुल, क्योंकि अच्छी चीज है यार, वो अच्छी चीज को हेल्प सपोर्ट करना भी चाहिए। तो हम लोगों ने खा लिया है पिज्जा, तो चलते हैं थोड़ी देर में। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर, बस चलते हैं, ठीक है। तो भाई इस प्यारी लोकेशन को करते हैं टाटा बाय बाय। अब हमारी प्रिपरेशन चालू हो चुकी है रुड़की जाने की। और भाई ये हमारे सामने लग चुका है हमारा बैग, इतना तो ये पूरा भर चुका है, ठीक है, और इतना भर चुका है। और अब आज हम लोगों को स्टूडियो भी अपना उठाना है पूरा, लाइक जो हमारा ऊपर स्टूडियो है तो मैं आपको अब भी दिखाता हूँ। तो भाई ये पूरा स्टूडियो जो हमारा है पीछे, ठीक है, तो ये भी हमें पूरा उठा के ले जाना है अपना रुड़की में। तो ले जाएंगे गाइस पूरा का पूरा स्टूडियो हम लोग उठा के ले चलेंगे अपना, एक्सेप्ट दिस टेबल। तो ये टेबल यहीं पर रहेगी और बाकी सब चीज़ जो यहाँ पे है हर एक चीज़ ले जाएंगे। तो भाई चीज़ देख लो कि हमारे स्टूडियो में जो एक बहुत ख़ास बात है, ठीक है, ये तो है जहाँ पर हम वीडियो एडिट करते हैं, ठीक है, एक चीज़ है आप ये देखो एक बार, जो स्ट्रगल देखो भाई लाइफ का, एक मिनट लाइट खोल देते हैं। देखो भाई ये हमारे टेबल जो है, ठीक है, इसका एक पैर नहीं है। तो हम लोगों ने क्या लगा रखा है, ये फॉर्चून रिफाइन ऑयल का, ठीक है, और ये प्रोटीन का डिब्बा उल्टा करके ऐसे लगा रखा है, जुगाड़ करिए, ठीक है। तो भाई दिस इज़ व्हाट के करना पड़ता है। और ये टूटा हुआ एक्चुअली ये वाला पैर, ठीक है, तो बहुत सारा सामान है और सब हटाना है अब हम लोगों को, तो भाई ऐसे ही कुछ है करना पड़ता है यार। और ये हमारा कैमरा, तो चलो अब हम ये पूरे स्टूडियो को हटाते हैं यहाँ से। और भाई हमारे बावला चड्डा को भी हम यहाँ से ले चलेंगे बाहर रुड़की। तो तैयार हो सर? हाँ हाँ, मैं तो बैठी हूँ आईआईटी जाने के लिए, मैं भी तो देखूँ आईआईटी रुड़की में ऐसा है क्या जो हमारे गेस्ट फ्रेंड कहते हैं आईआईटी जाने के लिए। तो हमारे बावला चड्डा सर पहली बार हमारे रुड़की जाएंगे, ठीक है, और तो भाई चलो अब सारा सामान समेटते हैं, ठीक है, और ले चलते हैं इस स्टूडियो को सीधे रुड़की के अंदर। चलिए अब आप देखिए टाइम लैप्स, तो हम सब हटाते हैं यहाँ से पूरे स्टूडियो को। सारा सामान रख चुका है और ये हमारे बावला चड्डा सर,
इन्हें भी ले चलेंगे हम रुड़की। वो तो मजबूरी है तुम्हारी, रियो एडिट कैसे हुई आपकी, डेली व्लॉगिंग भी तो करनी है आपको। ठीक है, और ये एक लाइट भी लेके चलना है, तो ये भी लाइट लेके चलना है। ठीक है, ये नया एडअप है हमारे स्टूडियो में। बाय। भाई ठंड बहुत पड़ रही भाई, बहुत ठंड भाई। भाई हमें ये बताओ, कल हम जा रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे? अच्छा नहीं लग रहा भाई। क्या कह रहे हैं? सही है। क्या कह रहे हैं? हाँ क्यों भाई, घूम जाते तो बहुत अच्छा लगता भाई। भाई भाई वैसे पता बात ऐसी है कि अगर मैं एक साल भी रुका रहूँ ना यहाँ पे और पंडित से कहूँ भाई मैं जाऊँगा नहीं, तो ये कहेगा कि नहीं जाओ भाई, ये जान ही नहीं देगा मुझे। तो वैसे एक बात बताओ पंडित, हम अपन करीब एक महीने रहे झांसी में, कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा भाई, बहुत मज़ा आया। अच्छा, बहुत मज़ा। और क्या मस्त क्या क्या किया हम लोगों ने? अपन ने बहुत कुछ किया भाई, डोनेशन ड्राइव की और फन किया बहुत ज़्यादा, काफ़ी जगह गए हैं। नहीं नहीं, बढ़िया व्लॉगिंग भी करी हम लोगों ने साथ में। और भाई शायद एक या दो ही दिन हुए होंगे जिस दिन हम लोग सुबह उठ के नहीं गए, वरना रोज़ सुबह उठ के घूमने गए ना। तो बढ़िया, फिर से चलते हैं आखिरी बार, फिर कल अब सीधे रुड़की में जाएंगे। और भाई ओस ओस पड़ रही यार, बहुत चलो गीला लग रहा भाई। चले हैं। हाँ, गीला लग रहा भाई, देखो ठंड बहुत ज़्यादा है। चलो भाई चलते हैं फिर अपन। भाई देख लो भाई क्या है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मनाली में आ गए हो भाई। ठंड देखो एकदम, अभी पता है बहुत छार सी पड़ रही थोड़ी, और वैसे ये ओस है। ये हम लोग को झांसी में भी एकदम मनाली वाला फील आ जाता है। ठीक है, वैसे भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे IIT की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि छुट्टियाँ बहुत मिलती है भाई। तो जैसे मैं जाता भी हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बस मैं रहता झांसी में, मैं कॉलेज में ऐसे ही चला जाता कभी कभी। तो हर एक एक महीने में हम लोग आते जाते रहते हैं, तो भाई सही है यार। पंडित भी बेचारा और नहीं होता घर वाला। भाई बात पता है एग्जैक्टली मैं बात बताऊँ क्या है, मैं काम में मतलब चाहूँ तो 6 महीने में भी आ सकता हूँ। ठीक है, मतलब नॉर्मली बच्चे, जय बजरंग बली, तो नॉर्मली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि इतना जल्दी नहीं आते हैं। ठीक, हाँ तो बच्चे इतनी जल्दी नहीं आते हैं, लोग देर से ही आते हैं, पर मैं जल्दी आ जाता क्योंकि यार पता बात क्या है, मेरा एक बड़ा भैया है और मैं हूँ, ठीक है, तो घर में, और हमारे भैया को बहुत कम छुट्टी मिलती, ठीक है, और घर में मम्मी पापा अकेले रहते हैं, तो यार अच्छा नहीं लगता पता कि मतलब यार वो लोग अकेले रह रहे हैं, तो अब उन्हें भी लाइक उनका मन नहीं लगता है, तो हम लोग लाइक ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए ना। ठीक है यार, और हम बस जा रहे हैं 1.5 महीने बाद। अंकल जी राइट इंडी की तरह देखे लेफ्ट मुड़ रहे हैं भाई, देखो मतलब क्या बोलूं। हम लोग जा रहे हैं कल, तो पंडित से आखिरी शब्द सुनते हैं, कुछ कहना चाहोगे पंडित? हम कल जा रहे हैं भाई, तुम जा रहे हैं अच्छा लग रहा बिल्कुल, तो हम चाहते हैं जल्दी आओ ताकि फिर से मज़े कर सकें और सपोर्ट करें, मतलब डोनेशन ड्राइव करें और ताकि अच्छा रहे। और ठंड बहुत है, घर में रहो और चाय पीते रहो, चाय पी कर रहो गाइस, चाय पी लो गाइस। ठीक है, तो ट्राई करेंगे हम अपने पूरा फिर अच्छा कंटेंट ला सकें। तो गाइस चलो मिलते हैं फिर। ठीक है पंडित भाई, पंडित भाई मिलेगा सीधे 2 महीने बाद, फरवरी के बाद जब पेपर ख़त्म होंगे हमारे तब आएंगे झांसी। तो ठीक है भाई, पंडित भाई बाय, चले जाओ, बाय बाय। एक बार डायलॉग बोल अपना, बाय। गाइस आज हमने वीडियो अपलोड करी है दीदी के लैपटॉप से, और अभी हमारा एक ब्लॉग चल रहा है।
और गाइस हम लोग के साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई कि हमारा जो लैपटॉप है वो करप्ट हो गया, ठीक है, उसकी विंडो करप्ट हो गई। तो आज हमने दीदी के लैपटॉप से आज अपनी वीडियो अपलोड करी है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।